हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए कुछ खाने का आइटम बनाने का मैंने सोचा है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को फ्राइड राइस खिलाते हैं, या आप लंच में भी खा सकते हैं। जब भी आपको कुछ मूड ना करे खाने बनाने का, तो सिंपल आप क्या कहते हैं, फ्राइड राइस बनाइए, और बिल्कुल टेस्टी फ्राइड राइस विद इन 5 मिनट में दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको फ्राइड राइस बनाने का तरीका बताते हैं दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते रहिएगा दोस्तों, कि इससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास लेके आ सके। चलिए ये देखिए दोस्तों, मैंने चावल फ्राई कर लिया है, मतलब चावल को उबाल लिया है मैंने। उसमें हल्का हल्का मटर के पीसेस भी डाल दिए, देखने में भी सुंदर लग रहा है। ये देखिए मैंने रेसिपी तैयार करी है। मटर, ये आपका सोयाबीन, ये मिर्चा, प्याज, टमाटर और लहसुन, इसको हम लोगों ने पहले से काट के रख लिया है। चलिए दोस्तों अब हम आप लोग को फ्राइड राइस बनाना सिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले सोयाबीन क्या कहते हैं हम लोग फ्राई कर लेंगे। सोयाबीन डालेंगे, थोड़ा सा तेल गरम हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सोयाबीन इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा ब्राउनिश होने तक थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों सोयाबीन आपका ब्राउन हो गया है, अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। अब दोस्तों देखिए इसमें प्याज, मिर्चा, लहसुन, जीरे से फ्राई करेंगे इसको पहले। देखिए ये प्याज, थोड़ा इसको ब्राउन होने देंगे। इसको दोस्तों देखिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा फ्राई करिए, जितना अच्छा फ्राई होगा उतना अच्छा फ्राइड राइस खाने में बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। हल्का हल्का फ्राई करिए जब तक कि थोड़ा थोड़ी महक ना आना शुरू हो जाए। अब इसको इसमें थोड़ा सा मटर डाल दीजिए, मटर भी फ्राई हो जाए थोड़ा सा, तो और अच्छा लगेगा खाने में। अब इसमें सोयाबीन डालिए और मटर डाल दीजिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, खट्टापन आएगा। तो मिला के थोड़ा फ्राई करिए, मसाला जितना बढ़िया बनेगा, आपका चावल उबला हुआ है उसमें स्वाद और अच्छा आएगा। फिर इसमें नमक मसाला डालेंगे, पहले थोड़ा सा फ्राई हो जाने दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मस्त फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा और अच्छा सा वो हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा मसाला डालिए अपने हिसाब से, देखिए मिक्स मसाला डालिए, धीमे धीमे करके। जितना अच्छा मसाला फ्राई करेंगे दोस्तों उतना ही अच्छा आपको फ्राइड राइस खाने को मिलेगा। अब इसमें मिर्चा, हल्दी सब डालिए, थोड़ा सा मिर्चा डालिए स्वाद अनुसार। और ये आपका चिकन मसाला हो तो डाल दीजिए, थोड़ा सा स्वाद अच्छा लगेगा दोस्तों। और इसको थोड़ा सा फ्राई करिए और भी, कि थोड़ा मसाला भुन जाए तब उसके बाद वो करिएगा। थोड़ा सा उसको और फ्राई कर लीजिए कि मसाला भुन जाए पूरा। अब इसमें गैस धीमा कर दीजिए, मसाला पूरा फ्राई हो चुका है। अब इसमें चावल डालिए जो आपने उबाल के रखा हुआ है, और इसको अच्छे से मिला के एक बार भूंजिए, नमक भी डालिएगा स्वाद अनुसार। दोस्तों देखिए अच्छे से फ्राई उसको मिला लीजिए मसाले के साथ, और नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए तो और टेस्टी लगेगा। अच्छे से मिला लीजिए, बहुत ही इजी वे में आपका क्या कहते हैं फ्राइड राइस बनेगा। आपके घर में जो सामान है उस हिसाब से दोस्तों आप बना सकते हैं। कोई भी आपको होटल की तरीके से नहीं है, आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि ये होटल का आपको फ्राइड राइस नहीं है, क्योंकि आपके घर में रखा हुआ बहुत ही मामूली से जो सामान होते हैं, जो आपके डेली पर्पज़ के यूज़ के सामान होते हैं आपके, उससे देखिए कितना अच्छा आपका चावल, देखिए फ्राइड राइस कितना अच्छा वो हो रहा है, बन गया है। मिलने के बाद आपको लग रहा है इसी का आप लोग होटल में कितना पेट कर देते हैं। देखिए कितना आसानी से इतना अच्छा सा
अब 5 मिनट में बना हुआ फ्राइड राइस, अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, बस इसको थोड़ा थोड़ा और फ्राई कर लीजिए। आपका फ्राइड राइस ऑलमोस्ट तैयार है, थोड़ी देर 5 मिनट इसको और थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और चलाते रहिए कि नीचे वो जले ना, इस तरीके से जैसे हो रहा है। देखिए कितना सुंदर आपका क्या कहते हैं फ्राइड राइस बना। ये देखिए दोस्तों आपका फ्राइड राइस तैयार है, मात्र 5 मिनट में बना। जब आपको भूख उख ना लगे, थोड़ा सा मन थोड़ा सा ख़राब हो और मन नहीं हो रहा खाना बनाने का दोस्तों, तो ये आपका 5 मिनट में बना हुआ फ्राइड राइस है। इसमें थोड़ा सा अचार ले लीजिए, थोड़ा सा नमकीन ले लीजिए और मज़े से अपना लंच पूरा करिए दोस्तों। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। इस तरीके से और भी अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, आप लोग का दिन शुभ रहे।